सत श्रीकाल जी, मैं गुरविंदर शेरगिल ग्लोबल वीज़ा हेल्पलाइन तो। सो कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा की गल करांगे जी। कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा ने लखां बच्चों का सुपना साकार किया आ। साडे अपने हत्थां दे विच कई बच्चों स्टूडेंट वीज़ा ते असीं भेज चुके हैं जी। तो अज उह स्टूडेंट जिहड़े हैगे आ PR NRI बन चुके आ, PR उन्हां दी हो चुकी है जी। अज दा टाइम जो टाइम आ, जां पिछला जो टाइम सीगा, सारे प्रोसैस बारे जां सारे जिहड़े व्यक्ति हुण भी कैनेडा स्टडी वीज़ा जिन्हां दा आ चुके आ जां जिहड़े बच्चों ने वीज़ा लैणा आ, सो टोटल सारी ग्राउंड जीरो तो आप अज कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा की गलबात करांगे। अज के हालात की है जी, अज काफ़ी ज़्यादा वड्डी तादाद दे विच रिफ्यूजल्स का सामना करना पै रहा, बहुत वड्डी तादाद दे विच रिफ्यूजल्स का सामना जिहड़ा हैगा उह स्टूडेंट्स नूं अते एजेंट्स नूं करना पै रहा। काफ़ी लंबे समय के वेट तो बाद भी अज जो डिसीजन मिल रहा है रिफ्यूजल का मिल रहा है। सो इहदे पिछे कारण की है? कारण आप देखते भी एक पास जदों कैनेडा सरकार जी गवर्नमेंट उत्थों का कोटा हैगी स्टूडेंट का एप्लीकेशन का वो वधा रही है, दूसरे पास रिफ्यूजल आपां नूं फिर भी ज़्यादा देखने मिलती है। यदा मेन वड्डा कारण है जी, कोविड का बहुत वड्डा प्रभाव पिया आ, सारे तुसीं भी जानते हो कोविड करके जिहड़ियां फाइल्स हैगियां ने वो दो तीन इनटेक दियां फाइल्स इकट्ठियां हो गईयां सी, रिजल्ट जिहड़े हैगे डिलीवर नहीं कर पाए। सो जिन्हां दे वीज़े आए भी होया बच्चों ने, साडे खुद कई स्टूडेंट्स के वीज़े आए हुए, वो बच्चे हले वेटिंग दे विच हैगे आ, फ्लाइट्स की वेट कर रहे हैं। फ्लाइट्स के भी जोड़ा है, फ्लाइट्स का बैन जोड़ा है वो होर बढ़ गया सीगा। आप नवी अपडेट अच्छ लैके देखिए तकरीबन फ्लाइट्स का भी जोड़ा बैन है वो 21 अगस्त तक अच्छ 30 दिन के लिए होर वधाता सी। सो सारिया फाइल्स जीडिया इकट्ठिया हो गई सी, उन्होंने वालों गवर्नमेंट वालों भी मंगया गया सी भी जोड़े बच्चे रीअप्लाई करना चाहते हैं भी सानू 15 तरीक तक तुम दोबारा अपन फाइल्स रीअप्लाई कर सकते हो। फाइल्स के रश को देखते हुए दोबारा जिहड़ियां मेजरली अज रिफ्यूजल आ रही ने उन्हां स्टूडेंट्स की आ रही ने जिन्होंने अपना केस रीअप्लाई किया, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन जिहड़ी कैनेडा एम्बेसी दे विच सीगी वो रीअप्लाई वाले ही केस सी। 15 तरीक तक जिहड़ी एप्लीकेशन आ कैनेडा गवर्नमेंट ने मंगियां सी उहदे विच शर्तां इह सी भी जिहदी फाइल कंप्लीट पई हैगी आ, बायोमैट्रिक जिहदे होए होया होर सारी फाइल जिहदी कंप्लीट आ, वह बच्चा रीअप्लाई कर सकदा सी। सो अज फिर जिहड़ी रिफ्यूजल भी आई आलमोस्ट जिहड़ी हैगी आ उन्होंने बच्चों दुबारा रिफ्यूजल का सामना करना पिया। दूसरी मेजर सीगा भी जिहड़े बच्चों ने नॉन SDS के अप्लाई किया, एक मड्यूल या दो मड्यूल 5.5 बैंड से, उन्होंने केसिस के भी काफ़ी वड्डी रिफ्यूजल देखने मिली आ। क्यूबैक के कई केसिस के रिफ्यूजल देखने मिली है, जिहड़े बच्चों के कॉलेज से जिहड़े उत्थों के 10 जिहड़े मेजर बच्चों रिक्यूट करते इंडिया तो, उही 10 कॉलेज के मेजर स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि उन्हों का जिहड़ा प्रोसैस से कॉलेज का ऑफर लैटर LOA का बड़ा फास्ट से सौखा सी, फीसिस वगैरह भी जिहड़ियां सीगियां वो भी घट सीगियां। मेजरली फाइल्स जिहड़ियां क्यूबैक के फसियां सी उन्हां 10 कॉलेजेस दे विच पेंडिंग चल रही सी, उन्हां फाइल्स तो कैनेडा हाई कमिशन ने कैनेडा एम्बेसी ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन की मांग की सी भी अपने आ डॉक्यूमेंट्स तुसीं इत्थे सबमिट करवा सकते हो। एक टाइम पीरियड सीगा 30 डेज़ का या 60 डेज़ का या 90 डेज़ का, कई बच्चों टाइम मिलिया सी। जिहड़े बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन नूं सबमिट करवाया उन्हां दी एप्लीकेशन रिव्यू दे विच चली गई है, जिहड़े बच्चों ने अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन जिहड़े ओह हैगे ओह सबमिट नहीं कराए तां उन्हां दी रिफ्यूजल्स जिहड़ियां ने ओह आणियां शुरू हो गईआं ने। सो सारीआं गल्लां नूं पिछे छड्ड के होए हुण आपां अगली गल करदे हां जी, आने वाले समय की गल करदे हां। नैक्सट जिहड़ा समां हैगा ओह सितंबर अते जनवरी 2022 दा हैगा। सितंबर इनटेक ऑलरेडी जिहड़ा फुल हो चुके आ जी, सितंबर तो बाद नवंबर एक छोटा इनटेक आउंदा, कई कॉलेजेस दे विच नवंबर दीआं सीट्स हले अवेलेबल हैगीआं ने। मेजर इनटेक अगला हैगा जी 2022 जनवरी दा, जनवरी 2022 कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा तुसीं अप्लाई करना चाहुंदे हो, ग्लोबल वीज़ा हेल्पलाइन तुहानूं वैलकम कर रहा जी। तुसीं SDS दी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करदे हो तां तुसीं सारी फीस वीज़ा लगन तो बाद दे सकदे हो, GIC दे पैसे भी तुसीं वीज़ा लगन तो बाद दे सकदे हो। सो कोविड ने अज इन्ना क मतलब बच्चों नूं सिखाता आ भी जिहड़े बच्चे पहले शक करते भी पैकेज नहीं करना एजेंट नाल, पैकेज दे साडे पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अज उही बच्चा बेनीफिट दे विच रहा है होरां स्टूडेंटां नालों। जिहड़े बच्चे ने स्टैप बाय स्टैप प्रोसैस किया सी उहदा अज पैसे का नुकसान होया, समय का नुकसान होया, लेकिन जिहड़े बच्चे ने पैकेज दे विच अपना केस प्रोसैस कराया सी गवर्नमेंट कॉलेजेस दे विच, उन्हां दा पैसे का कोई नुकसान नहीं होया, एक निक्के पैसे का नुकसान नहीं होया जिहड़े बच्चे ने साडे कोल पैकेज दे विच अपना केस प्रोसैस कराया सी। सो मर्जी तुहाडी है जी, तुसीं अपना फीसां अपने GIC अपना 15 तों 16 लाख रुपया खुद भरना चाहुंदे हो, खुद तुसीं देना चाहुंदे हो, तुसीं आप भी अपने कोलों भर के स्टैप बाय स्टैप प्रोसैस करवा सकते हो। सारी फीस वीज़ा लगन तो बाद देना चाहते हो, GIC हो गया, कॉलेज फीस, मेडिकल, एम्बेसी फीस, हर तरह दीआं फीसां तुसीं जे वीज़ा लगन तो बाद देना चाहते हो
पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੱਸ 2 'ਚ 60-65% ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ 19-20-21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, 6E 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, 6E 'ਚ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਆ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 9250392503 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।